दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है चाचा चौधरी की गब्बर सिंह से टक्कर। ये कॉमेडी कॉमिक्स है चाचा चौधरी की, तो पढ़ते हैं इसको। गब्बर सिंह से टक्कर। चाचा जी, डाकू गब्बर सिंह पुलिस की हिरासत से भाग निकला। घबराने की कोई बात नहीं, चल भाई राजा जल्दी चलो, खबरदार वहीं खड़े रहो। गब्बर सिंह, लेकिन मेरे पास कानी कौड़ी भी नहीं है, मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा यह घोड़ा चाहिए, पुलिस मेरे पीछे लगी है। अरे तुम्हारा घोड़ा तो बड़ा अड़ियल है, चलता ही नहीं। अगर तुम कहो तो मैं कुछ कोशिश करूं। तुम कुछ भी करो मगर इसे जल्दी दौड़ाओ, पुलिस मेरे पीछे आ रही है। चाचा चौधरी घोड़े की पूंछ से मैं पटाखों की लड़ी बांध देता है, देखना अब यह सरपट भागेगा। धड़ाम धड़ाम, ओह अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो, रुको, ओ यह तो काबू से बाहर हो गया। बड़ाम धड़ाम। चाचा जी, आपने डाकू गब्बर सिंह को कहीं देखा है? देखा है कहाँ, जल्दी बताइए, उसे पकड़वाने वाले को 50,000 का इनाम दिया जाएगा। आप पुलिस स्टेशन जाइए, वह अपने आप वहां पहुंच जाएगा। जल्दी करिए, कभी आप आपसे पहले न पहुंच जाए। और इंस्पेक्टर साहब, मेरा 50,000 का चेक तैयार रखना। अरे यह कम वक्त मुझे कहां ले आया, पुलिस स्टेशन। हाथ ऊपर करो गब्बर सिंह, यह सब चाचा चौधरी की शरारत है, उसी का घोड़ा सिखाया हुआ था। चल लो नौकर। चाचा चौधरी ने एक नौकर रखा, नाम था रुलदू। अरे रुलदू, मैंने यह मिठाई बनाई है, जा उन्हें खेत पर दे आ। अच्छा बीबी जी। रास्ते में रुलदू का दोस्त खोटू मिल जाता है। अरे रुलदू कहां भागा जा रहा है, अपने मालिक को यह मिठाई देने। आह इसमें तो देसी घी की खुशबू आ रही है, लगता है तरमाल है, जरा देखें। वाह लड्डू, और वे भी देसी घी के, जरा चक्कर तो देखें। वाह वाह मजा आ गया, ले तू भी खाकर देख। सचमुच ये लड्डू तो बहुत बढ़िया, तुम और खाओ, मेरा मन तो रुकने का ही कोई नहीं कर ही नहीं रहा। अरे सारे लड्डू खत्म, अब मैं अपने मालिक को जाकर क्या दूंगा। फिक्र मत कर, घासलेट हलवाई से सस्ते तेल के बने लड्डू खरीद कर प्लेट में रखकर ले जाना। घासलेट हलवाई, लाला 1 किलो लड्डू देना, अभी लो, यह लो ले जाओ अपने मालिक के पास, उसे जरा भी पता नहीं चलेगा इस हेरा फेरी का। वाह यह तरकीब अच्छी है, इस तरह तुम रोज ही गुल छर्रे उड़ा सकते हैं। लो चाचा जी, यह चाची ने मिठाई भेजी है। टुल्लू मैं तो हमेशा देसी घी खाने का आदी हूँ, ये लड्डू तो लगता गोबर के बने बने हो। मुझे क्या पता, जो चाची ने दिया वह मैंने लाकर आपको दे दिया। श्याम को चाचा चौधरी लौटकर घर आता है। भगवान, कल जो मेरे लिए लड्डू बनाए उनमें यह दवाई मिला देना। दूसरे दिन रुल्दू, जाए लड्डू उनको खेत पर दे आ। वाह वाह रुल्दू, अगर इसी तरह देसी घी के लड्डू हम चंद रोज खाते रहे तो माशाल्लाह अपनी सेहत दारा सिंह से कम नहीं होगी। तभी माफ करना खोटू, मुझे वापस घर भागना पड़ेगा, मुझे भी। उसी दिन शाम को, अरे रुल्दू आज तुम मिठाई देने नहीं आया, चाचा जी मुझे मुझे दस्त लग गए हैं, दो दो मिनट पर आ रहे हैं। अगर तू सच सच बताए कि क्या खाया था तो मैं कोई दवाई दूं। मेरी तौबा, मैं सब कुछ सच बताता हूं, मैंने आपके लड्डू चुरा कर खाए थे। मैंने चोर पकड़ने के लिए उनमें जमाल घोटा मिलवाया था। यह लो दवाई की पुड़िया, दस्त बंद हो जाएंगे। अरे कांचरा, आधी पुड़िया अपने दोस्त खोटू को देनी है। भाग्यशाली गधा, मेरी तो किस्मत फूट गई, जो इस घर में शादी होगी, न कोई गाय है न भैंस जिसका दूध और मक्खन खाए, बस दिन रात चोर उचक्कों से जूझते रहो। मेरे पिता के घर 2 गायें और 3 बूढ़ी भैंसे थी, दूध की नदियां बहती थी। चाचा के घर 4 घोड़े थे, दादा के घर 1 हाथी भी था। अरे भगवान तू घबराती क्यों है, मैं भी आज तेरे लिए कुछ लेकर आता हूँ। चाचा जी एक आग किधर चल दिए, मैं तुम्हारी चाची के लिए कोई पशु लेने जा रहा हूँ थोड़ी दूर पर। अरे कलवा, इस बेचारे गधे को क्यों मार रहे हो? मारू नहीं तो और क्या करूं, काम काज कुछ करता नहीं, मुफ्त का चारा खाता रहता है। भाई जब यह जवान था तब उसने तुम्हारी काफी सेवा की, नहीं अब मैं इसे नहीं रखूंगा, तुम्हें चाहिए तो इसे ले जाओ, नहीं तो मैं इसे मार मार कर मार डालूंगा।
तुम इसे मारो नहीं, मैं इसे अपने घर ले जाता हूं। और चाचा चौधरी बूढ़े गधे को लेकर घर चल दिया। लो, लेने गए थे गाय भैंस और ले आए बूढ़ा गधा। हा। अरे मैं पूछती हूँ, क्या पहले यहाँ गधे कम थे जो तुम एक और पकड़ लाए? देखो चाची, ये हमारी इंसल्ट है, इसको जहां से लाए हो वहीं छोड़कर आओ, मैं इसे कुछ भी खाने को नहीं दूंगी। देखो बागवान, उसने जमीन पर लौटना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब गधा बहुत खुश होता है तो मिट्टी में लौटना शुरू कर देता है। लगता है यहाँ यह बहुत खुश है। देखो अब अपने क्रोध से मिट्टी हटा रहा है, उसे रोको नहीं तो वह सहन में गड्ढे कर देगा। अरे यह क्या, जहां से गधे ने मिट्टी हटाई वहां एक बक्सा दबा पड़ा है। बक्सा खोलने पर, अरे इसमें तो हीरे और जवाहरात हैं, गधे ने हमें लखपति बना दिया। दूसरे दिन, भगवान गधे को मिठाई क्यों खिला रही हो? आज उसका बर्थडे है। हे भगवान, अगले जन्म में तुम मुझे भी गधाई बनाइयो। साल बाद, एक दिन लक्कड़ और फक्कड़ सोचते हैं, वह बोंदू और तोंदू बैठे हैं और उन्हें बेवकूफ बनाए। अरे बोंदू तोंदू, क्या हाल है, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? क्या बताए, इतने सालों से हमने अपने घर का एक ही तरह का खाना खाते खाते बोर हो गए हैं, अब तो बदहजमी भी होने लगी है। एक तरकीब है, एक दिन तुम हमें खाना खिलाओ, दूसरे दिन हम तुम दोनों को खिलाएंगे, इस तरह अलग अलग तरह का खाना खाने को मिलेगा, मंजूर है? आओ आज हम तुम्हें खाना खिलाए। वाह, यह गर्मा गर्म पूड़िया, मटर पनीर, कोफ्ते, हलवा और बैंगन का भरता, जरा जरा रायता और शाही पनीर और डालो। इतना खा लिया कि मुझे चला नहीं जा रहा। अच्छा बोंदू तोंदू, कल आना। दूसरे दिन, लो बोंदू तोंदू आगे परोस दो मूंग की दाल और कल की बची हुई बासी रोटियां। है हमारे यहाँ से तो तुम हलवा पूड़ी खाकर आए और हमें तुम दाल और बासी रोटी खिलाओगे? देखो बोंदू तोंदू, दो आदमियों को खाना खिलाने की बात हुई थी, यह कोई तय नहीं हुआ था कि क्या खिलाएंगे, यह सरासर धोखाधड़ी है। चलो चाचा चौधरी के पास चलें। चाचा जी, हमें लक्कड़ फकड़ ने चकमा दिया है, हमसे बढ़िया लजीज खाना खा लिया और हमें बासी रोटियां दे रहे हैं। मैं उन ठगों को जानता हूं, अपना कान इधर लाओ और जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। फुसफुसाहट, लकड़ पकड़ लो, मैं लौट आया, अब तुम हमें मूंग की दाल और बची हुई रोटियां भी ही खिलाओ, लेकिन तुम्हारा साथी कहाँ है? वह ये रहा, है मारे गए, यह नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, दो आदमियों को खाना खिलाने का तय हुआ था, यह तय नहीं हुआ था कि कौन से दो। वाह, मूंग की दाल बड़ी मजेदार है, 200-300 रोटियां और दाल और लाओ, शहर भर की सारी दाल हम तुम्हें खिला चुके हैं, अब हमें बख्शो, हम हजारों के कर्जाई हो गए हैं। फुटबॉल, चाचा जी यह क्या लिए जा रहे हो? अरे भाई साबू बहुत दिनों से फुटबॉल खेलने की जिद कर रहा था, उसके लिए एक लाया हूं। चाचा चौधरी ने साबू घर रख तो लिया है, लेकिन उसे शौक पूरे करने के लिए उसे कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं यह मैं ही जानता हूं। लो भाई साबू, संभाल अपनी फुटबॉल। वाह, तुम फुटबॉल से खेलो, तब तक मैं तुम्हारी चाची के हालचाल पूछा हूं, वह बैठी मुझे कोस रही होगी थोड़ी दूरी पर। तुम्हारे बैग में जितने पैसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो जान से मार दूंगा। कमजोर देखकर मुझे डराते हो, अगर हिम्मत है तो साबू से लड़ो। अरे साबू, वह मेरे सामने आ तो मार मार कर मैं उसे छड़ी का दूध याद करा दूंगा। उधर, अब तुम पैसे नहीं, अरे तुम पैसे नहीं निकाल रहे, ठीक है पहले मैं तुम्हारा खात्मा करता हूं, फिर सारे पैसे अपने आप मेरे पास आ जाएंगे। धड़, हाय मरा, तुम तो साबू को छट्टी का दूध याद करा रहे थे, उसकी फुटबॉल से दिन में तारे नजर आने लगे। साबू, तुमने मेरी जान और पैसे बचाए, बोलो इनाम में क्या लोगे? समस्या यह है कि जब मेरे फुटबॉल से हवा निकल जाएगी तो क्या होगा? अरे मैं अपने पेट्रोल पंप से फ्री में हवा भरवा दिया करूंगा। स्मगलर, एक दिन चाचा चौधरी जंगल में वृक्ष काट रहा था, अगर साबू यहाँ होता तो यह काम और आसान हो जाता। तभी, अरे आवाज कैसी, लगता कोई ट्रक इधर आ रहा है, गुरुड़ गुरुड़। स्मगलरों का एक ट्रक आकर रुकता है। अरे चंपू, देखा मैंने पुलिस को कैसा चकमा दिया,
वो ट्रक को माल समेत बचाकर यहाँ ले आया। अरे तो स्मगलर लगते हैं, छुप कर देखना चाहिए ये आगे क्या करते हैं। लेकिन टेम्पो पुलिस यहाँ भी तो आ सकती है। तेरा कहना ठीक है चंपू, लेकिन हम इस ट्रक को घास फूस के नीचे छुपा देंगे। जब रात हो जाएगी उसे निकाल कर गोदाम में पहुंचा देंगे। वाह क्या तरकीब लड़ाई है, अब देर मत करो और फावड़े लेकर घास फूस इकट्ठा करना शुरू करो। अरे रंपू कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा, अरे इस उजाड़ जंगल में कौन आएगा। आओ अब चले। वाह अब कोई नहीं जान सकता कि इस घास फूस के नीचे लाखों रुपए का स्मगल्ड माल दबा है। उनके जाने के बाद चाचा चौधरी आता है, उन स्मगलरों को मजा चखाना चाहिए। लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, किसी साथी को लाना चाहिए। अरे साबु तू यहाँ बेकार बैठा बैठा क्या कर रहा है, चल मेरे साथ चल। अच्छा चाचा जी चलो, उस घास फूस को हटाओ, फिर जैसा जैसे मैं कहूँ वैसा वैसा करो। रात होते ही, अरे चंपू हमारा घास फूस का ढेर वैसा का वैसा है, चलो जल्दी जल्दी से इसे हटाओ और अपना ट्रक निकालो। और घास फूस हटते ही, अरे हमारा ट्रक, जय बजरंग बली, अरे बाप रे भागो, अब नहीं भाग सकते। लेकिन हमारा ट्रक कहाँ गया, वह कहीं नहीं गया, यहीं खड़ा है, अब उसे पुलिस स्टेशन ले जाना है। पंजीरी, क्यों टिंगो मास्टर तुम्हारी नाक को क्या हो गया, सुन सुन मुझे पंजीरी की खुशबू आ रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, तुम्हारी चाची ने बनाई होगी, सुन सुन भगवान क्या आज तुमने पंजीरी बनाई है। हाँ बनाई है, मगर जब तक तुम दोनों नानी लोगे पंजीरी नहीं मिलेगी। मैं मंदिर जा रही हूं, मेरे लौटने से पहले ना लेना, यह नाने की मुसीबत चाची यूं ही टाल गई, पंजीरी तो इसी घर में रखी है ने। तुम उधर देखो और मैं इधर, पहले पंजीरी खा ले, नाना बाद में हो जाएगा, या नहीं है चाचा जी। पंजीरी उस सिक्के में चाची इतने ऊंचे रख गई है कि मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा। लो अब तो पहुंच रहा ना, जल्दी जल्दी मुंह में डालो, वाह मजा आ गया। तभी हैंड्स अप, तिजोरी की चाबियां कहाँ है, बोलते क्यों नहीं, तुम्हारे मुंह में क्या है, जवाब नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा, तुम्हारे मुंह में क्या है। पंजीरी भगवान, आज तुम्हारी पंजीरी ने घर बचा लिया। हीरे का हार, दीवान युद्धवीर सिंह ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज अपने मुन्ने का जन्मदिन है इसलिए मैं इसे यह हीरे का हार देता हूं। यह हीरे का हार तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत तो 1 लाख से भी ऊपर होगी, लेकिन हमारे मुन्ने से ज्यादा कीमती नहीं। पिताजी मैं बाहर खेलने जाऊं, जाओ बेटा दोस्तों आओ खेलें। जाओ मुन्ना पकड़ कर लाओ। हाँ, यह हीरे कार तो बहुत कीमती नजर आता है, अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस को खबर कर दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। नहीं मुझे मत मारो। पास इसे चाचा चौधरी का गुजरना हुआ, मुन्ने की आवाज उसके कानों में पड़ी, मुझे मत मारो चौधरी, आओ मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां जो तुम दोनों के लिए काफी है। चौधरी तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए पहले तुम्हें ही शूट करता हूं, देखो तुम्हारे पीछे कौन है। ओ यह ट्रिक पुरानी जरूर है लेकिन हमेशा कामयाब होती है, रहम मुझ पर रहम करो। मुन्ने के माँ बाप के पास चलो, वही तुम पर रहम कर सकते हैं। दीवान साहब बच्चे को इतना कीमती हार पहनाना बच्चे को जोखिम में ढकेलने के बराबर होता है, मैं शर्मिंदा हूं चाचा जी। कच्चे चोर, मोहल्ले के सारे घरों में टीवी आ गया है, एक मैं ऐसी बदनसीब हूं जिसके घर में न टीवी न रेडियो। अरे तू घबराती क्यों है, उधर तूने हुक्म दिया इधर में टीवी लेकर हाजिर हुआ। टेलीविजन, हाँ भाई मुझे एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहिए, वे आपके सामने रखा है। क्यों भाई इससे भी बड़ी स्क्रीन वाला कहीं कोई सेट नहीं है। चाचा जी लगता है आप टीवी नहीं सिनेमा हॉल खरीदने निकले हैं। अच्छा भाई से पैक कर दो अभी लो। अरे लोटन मैं ट्रांजिस्टर सुनते सुनते बोर हो गया हूँ, वे देखो चाचा चौधरी नया टीवी खरीद कर ला रहा है, फिर देर किस बात की है, मौका मिलते है उसका टीवी गायब कर दो।
मैंने कहा जब आप गए हुए थे तो पड़ोसी हमें चाय पर बुला गया है, तो फिर चलो अभी कोई ज्यादा देर नहीं हुई, टीवी हम शाम को देखेंगे। अरे लौटे में अच्छा वह चाची और चाची जा रहे हैं, घर खाली है, यही मौका है। चलो यह भी अच्छा कि चाचा चौधरी घर को ताला नहीं लगाता, वह समझता कि उसे उसके घर की कोई चोरी नहीं कर सकता। भागो, आज शाम को अपने घर पर बैठकर चित्रहार देखेंगे। अजी देखो वे चोर अपने पीछे से अपना टीवी उठाकर भागे जा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ जल्दी में वे चोर अपना ट्रांजिस्टर यहीं छोड़ गए। तुम भी अजीब आदमी हो, 5,000 का टीवी जाने का गम नहीं और 100 रुपली का ट्रांजिस्टर पाकर खुश हो रहे हो। अपना टीवी उस कमरे में पड़ा है, चोर सिर्फ उसका डिब्बा लेकर गए हैं जिसमें मैंने रद्दी भर दी थी। भूत मद्रासी बाबू, यह डब्बा लावारिस पड़ा है, क्यों ना हम इसे घर ले जाएं? ऐसा बहुत सारा डब्बा तुमको सड़क पर मिलेगा, अगर तुम सबको घर ले जाएगा तो तुम्हारा घर कूड़ा खाना बन जाएगा। अब क्या सोच रहा है मद्रासी बाबू? मुझे लगता है कि वह डब्बा खुद चलकर हमारे पीछे आ रहा है। ही, हमको लगता है कि तुम आज भांग पीकर आया, अगर तुम्हें यकीन न हो तो खुद पीछे मुड़कर देख लो। भूत भागो, साबू आज मेरी नाक पर खुजली हो रही है, लगता कोई हमारी तरफ आ रहा है। चाचा जी आपकी नाक न हुई वायरलेस हुई। भूत भूत कहाँ? हमने सड़क के किनारे एक पड़ा हुआ डिब्बा देखा, जब हम आगे बढ़े तो वह भी चलकर हमारे पीछे आने लगा। जब तुम्हें जरूर कहीं कोई गलतफहमी हुई है, गलतफहमी एक को हो सकती है दोनों को नहीं। हाँ हमने भी उसे चलता हुआ देखा। आओ मेरे साथ वेरा, देखो वह चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। मद्रासी बाबू, भूत बहुत हमारे बहुत करीब आ गया, भागो। ठहरो मैं अभी तुम्हारे भूत को निकालता हूँ। यह रहा वह, जब वह कुत्ता सो रहा होगा तो किसी शैतान लड़के ने उस पर एक खाली डब्बा रख दिया होगा, जब वह जागा तो अपने अपने को डिब्बे में बंद पाकर घबरा गया और इधर उधर डब्बे को खोल लिए तोड़ने लगा। बड़ी मछली, अरे साबु यह क्या है? यह मैंने मछली पकड़ने का काटा बनाया, अब मैं रोज नदी पर मछलियां पकड़ने जाया करूंगा। अच्छा देखे तुम कितनी मछलियां पकड़ कर लाते हो। मैं अभी आया, यह नदी तो मछलियों से भरी पड़ी है। कमाल है, शाम हो गई बैठे बैठे मगर कोई मछली नहीं फंसी। हा। अरे साबु तुम्हें देखकर आदमी भाग जाते हैं, मछली तो फिर एक छोटा जीव है। आज तो निराशा का मुंह देखना पड़ा। थोड़ी दूर पर एक सड़क पर, ओह मेरा सोने का नेकलेस। साबू वह बदमाश मेरा सोने का नेकलेस लेकर भाग रहा है। भाग कर कहाँ जाओगे? कांटा बदमाश की बनियान में अटक जाता है। ओह कच्चे धागे से खींचे चले आएंगे सरकार मेरे। साबू मुझे माफ कर दो, मैं यार लौटाता हूँ, और वायदा करो कि आगे से किसी महिला का जेवर नहीं छीनोगे। गुलाम, चाचा जी स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है? इस दिन हमें आजादी मिली थी, हमने अंग्रेजों की गुलामी के बंधन तोड़कर अपनी नई सरकार बनाई थी। क्या गुलामी बहुत बड़ी चीज है? इससे बदतर दुनिया में और कोई चीज नहीं। पटाख, अरे भाई उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने मुझे 50 रुपये उधार लिए थे और वायदा किया था कि वह सारी उम्र मेरा गुलाम बनकर रहेगा, लेकिन 10 वर्ष बाद ही इसने भागने की कोशिश की, इसलिए मैं इसे सजा दे रहा था। यह तो जुहार है, अगर मैं इसके 50 रुपये तुम्हें दे दूं तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? कभी नहीं, इसको आजाद कराने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह क्या? इसके बदले में मुझे को दूसरा गुलाम दे दिया जाए। जाओ तुम आजाद हो, तुम्हारे बदले में मैं उसे साबू दे दिया। धन्यवाद चाचा चौधरी। साबू अब तुम मेरे गुलाम हो, इधर आओ और मेरी मेरे पांव और टांगे दबाओ, जो हुक्म मेरे आका। ओ धीरे, तुम तो मेरी सारी हड्डियों का कचूमर निकाले जा रहे हो। हाय मर गया, न जाने कितनी हड्डियां तिड़क गई हैं। फिक्र मत करो, मेरे पास मरहम पट्टी है, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओह बस करो, इतनी मरहम काफी है। हाय मार डाला, तुमने यह पट्टी है या बिस्तर लपेट रहे हो? होली, चाचा चौधरी के घर उनका साला तरबूजी दास आया हुआ है। जीजाजी आज होली है, आप बाहर मत जाओ, कोई रंग डाल देगा। फिक्र मत करो, मुझ पर कोई रंग नहीं डाल सकता,
चलो इसी बात पर शर्त लग जाए, अगर आप शहर घूमकर सूखे घर आ जाएंगे तो मैं आपको 100 रुपया दूंगा, और अगर आप रंग डलवा कर आए तो आप मुझे 100 रुपया देना, ठीक है तरबूजी दास? और चाचा चौधरी घर से चल दिए बाजार में। वह देखो चाचा चौधरी जा रहा है, फिर सोचते क्या हो, मारो पानी के गुब्बारे। चाचा चौधरी ने सुन लिया, कम भक्तों मेरी दुकान से गुब्बारे खरीद कर मुझे ही मारते हो, ठहरो मैं भी मजा चकाता हूं। चलो अभी तक तो बचे रहे, अब आगे चलते हैं। अरे भाई पलटू, वह चाचा चौधरी आ रहा है, वह बड़ा चालाक आदमी है, भाग निकलेगा, इसलिए तुम बाएं से और मैं दाएं से उसे घेरते हैं, ठीक है? हाँ हाँ कहो चौधरी, गिर गए ना आज, अब बचकर नहीं जा सकते, मारो पिचकारी, 1 2 और 3, यह क्या? ओह अरे हमने तो एक दूसरे को रंग दिया, मैंने कहा था ना कि वह बहुत चालाक आदमी है। थोड़ी देर बाद, मारे गए बहन, जीजा जी तो सूखे लौट रहे हैं, तुम यह रंग की बाल्टी लेकर छत पर जाओ, मैं जीजा जी को यहाँ बातों में लगाकर खड़ा कर लूँ, तुम ऊपर से यह बाल्टी उन पर उड़ेल देना, 100 रुपया तो किसी तरह बचाना ही है ने। अरे जीजा जी, आपने तो सचमुच ही कमाल कर दिया, आओ इसी बात पर एक किस्सा सुनो, यही मौका है, जरा ठहरो तरबूजी दास। आह यह अमरूद, ओह मारे गए। हाँ तरबूजी दास, तू वह कौन सा किस्सा सुना रहा था, और निकाल 100 रुपया। डॉक्टर, अरे भाई साहब, आज दिन दिन में ही सुस्ती मार रहा है, क्या बात है? चाचा जी, काफी दिनों से कोई मारदार नहीं हुई, मेरे बाजुओं में जंग लग गया है, इसलिए आलस आ गया है। तो ठीक कहता, हमारा धंधा मारदार से ही चलता था, अगर दुनिया के लोग शरीफ बन गए तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? चाचा जी मेरा कहना मानो, एक डॉक्टर झटका की तरह दवा खाना खोल लो, लोगों की भलाई होगी और पेट भरने के लिए पैसे भी आएंगे, अच्छी बात है। और चाचा चौधरी ने दवा खाना खोल लिया। डॉक्टर चाचा चौधरी, MBBS, पहला मरीज आया, हाय मर गया चाचा जी बचाओ, कमर के दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे भाई साबू, जरा इन भाई साहब की कमर का दर्द ठीक कर दो, इधर बाहर भेज दो इनको, जाओ भाई। अरे मार डाला बचाओ, तुम तो मेरे रेडियो का कचूमर बना रहे हो, हा, मैं तुम्हारी कमर ही तोड़ देता हूँ, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। अरे बेवकूफ, ये मर जाएगा, छोड़ दे इसको, भागो यहाँ से, ये डॉक्टर है या यमदूत? डॉक्टर, हमारा पप्पू पागल हो गया है, क्या तुम पागलपन का इलाज कर सकता है? क्यों नहीं मिस, तो चलो हमारे साथ, लेकिन मिस घर जाने की मेरी फीस दोगुनी होती है, तुम पैसे की परवाह मत करो, डॉक्टर हमारे प्यारे पप्पू का बचाओ, चलो यह रहा हमारा घर। पप्पू सारा दिन बिस्तर पर लेटा रहता है, न कुछ खाता है न पीता है, वह रहा मेरा पप्पू, कुत्ता गुर्र, बाप रे पागल कुत्ता, जान बचाने तो भागो, भो 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 भो, जान बची लाखों पाई। थोड़ी देर बाद, डॉक्टर साहब मुझे साबू की तरह ताकतवर बनना है, ताकि जो कोई मेरे साथ लड़े मैं उसे पटक दूं, मुझे कोई ताकत की दवाई दीजिए। बेटा इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं, फल खाओ और बलवान बनो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, फलों के सारे विटामिन छिलकों में होते हैं, इसलिए छिलके जरूर खाना, समझे? समझ गया। दूसरे दिन, ओए डॉक्टर साहब, जब से मैंने फल के छिलके खाए पेट में दर्द हो रहा है। कौन से फल के छिलके खाए थे? नारियल। यह डॉक्टर ही अपने बस का रोग नहीं, डॉक्टर झटका कोई मुबारक हो, मूर्खों का देश। दूर अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर राजा सूची बहुत उदास रहता था। एक दिन उसका वजीर उसके पास आया और पूछने लगा, महाराज आप इतने उदास क्यों रहते हैं? ऐ मेरे काबिल वजीर, तुम तो जानते हो कि मेरा एक ही दुख है, हमारी सारी जनता बेवकूफ है, लोग सारा दिन निठल्ले बैठे रहते हैं, इससे देश तरक्की नहीं कर रहा, मुझे एक तरकीब सूझी है, पृथ्वी पर 400 दिन नाम का एक बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि का आदमी रहता है, उसे पकड़ कर यहाँ लाया जाए और उसका दिमाग खोल कर देखा जाए, हमारे सज्जन फिर सारी जनता के वैसे दिमाग बना दे, इस तरह सारे बेवकूफ अक्लमंद हो जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, लेकिन उसे यहाँ लाएगा कौन? यह काम इस वफादार सिपह सलार पर छोड़ दें। यह रहा चाचा चौधरी का फोटो, देखना कहीं तुम्हें चकमा न दे जाए। अब फिक्र न करें, मैंने बड़े बड़े रुस्तमों को नाखून चने चबवा दिए हैं।
सिपाही सालार का अंतरिक्ष यान पृथ्वी की ओर चल दिया। उधर चाचा चौधरी और उसका जुड़वा भाई छज्जू चौधरी बातचीत में मशगूल है। छज्जू भाई, मेरी वजह से चोर डाकू कभी कभी तुम्हारी पिटाई कर देते हैं, इसका मुझे अफसोस है। तो क्या हुआ, तुम्हारा हमशक्ल होने का एक फायदा भी है। वह क्या, जिन लोगों का मैंने उधार देना है वे मुझे छोड़ तुम्हारे पीछे लग जाते हैं। वैसे डबल होने के और भी फायदे हैं। वह क्या, हिटलर के भी डबल थे। जिन जुलूस जलसों में वह नहीं जाना चाहता था उनमें वह अपने डबल को भेज देता था। जनता समझती थी हिटलर बोल रहा है और तालियां बजती थी। अच्छा भाई, गप सब बहुत होगी, अब अपने अपने काम चलें। वेरा चाचा चौधरी, देखो जाने ना पाए, मैं उसे अभी चुंबकीय किरणों से उठा लेता हूँ। हा, देखो वह चुंबकीय किरणों से सूखे पत्ते की तरह उड़ा चला आ रहा है। मंगल ग्रह पर महाराज, यह तीक्ष्ण बुद्धि वाला हाजिर है। ठहरो, पहले मुझे इसकी अकल की परीक्षा लेने दो। ब्लैक बोर्ड पर एक गणित का प्रश्न लिखा है, इसे हल करो। गणित, गणित के प्रश्नों से तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। परीक्षा में गणित में मेरा हमेशा अंडा आता था। क्या बकते हो, हमने तो चाचा चौधरी की अकल की बड़ी तारीफ सुनी थी। चाचा चौधरी, अरे मैं तो छज्जू चौधरी हूँ। है सिपा सलार, तू किसे उठा लाया? महाराज नाराज न हो, आखिर अपनी आम जनता की तरह सिपे सलार भी कुछ कुछ बेवकूफ है। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।